एनटीटी संस्थानों की जांच के बाद होगी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल के अस्पतालों की निजी लैब में निशुल्क होंगे 233 टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की जांच के बाद होगी। कोर्ट केस से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से संस्थानों को लेकर जानकारी मांगी है। नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षा विभाग एनटीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों की पड़ताल करना चाहता है। प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 70% पद एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स करने वालों और 30% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता को लेकर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला होगा। काजा के बाद अब लाहौल के सिसु में भी आइस हॉकी रिंग बनेगा। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बुधवार को एसोसिएशन के पदाधिकारी सिसु का दौरा करेंगे। एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं सरकार ने भी इसके लिए सहायता देने पर सरकार से मांग उठाई गई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो आइस हॉकी रिंग के लिए सिसु उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर बर्फ जमने की प्रक्रिया बेहद लंबी है। सितंबर और अक्टूबर से ही यहाँ पर तापमान जमाव बिंदु तक पहुँच जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में अब एक साथ 9 किडनी मरीजों का उपचार हो सकेगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की मशीनों को स्थापित किया जा रहा है। 1 अप्रैल से ये चिकित्सा सेवा शुरू की जानी प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश में भी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की सुविधा है। अब टांडा मेडिकल कॉलेज दूसरा अस्पताल होगा जहाँ ये चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मशीनें स्थापित किए जाने से IGMC में मरीजों का कम भार पड़ेगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदेश के करीब 20 बड़े नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। सोनिया गांधी ने भाजपा से विधानसभा चुनाव की लड़ाई को मिलजुल कर लड़ने के लिए एकजुटता की सीख दी। उन्होंने कहा कि गुटबाजी का समय नहीं, एकजुट होकर सभी चुनाव मैदान में उतरे। ये बैठक मंगलवार शाम 5 बजे 10 जनपथ पर हुई। बैठक करीब 1.5 घंटा चली। संगठन में बिखराव न आए इसके लिए वरिष्ठ नेताओं की ये जिम्मेदारी तय की गई। पार्टी के पूर्व विधायक युवा नेता त्यागपत्र देकर आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, इस पर भी मंथन हुआ है। प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम बैंक ऋण लेकर 205 नई बसें खरीदेगा। इन बसों के लिए ऋण लेने के लिए राज्य सरकार बैंक गारंटी देगी। HRTC शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से बस अड्डे और पार्किंग के लिए जमीन लेगी। इसके लिए इन संस्थाओं से वार्ता की जाएगी ताकि उनको लाभांश दिया जा सके। निगम के पेंशनरों को 270 करोड़ का भुगतान पेंशन और स्वास्थ्य बिलों का किया जाएगा। निगम के कर्मचारियों को समय समय पर वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की मंगलवार को पीटरहॉफ में आयोजित बैठक के बाद मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सचिवालय परिसर में प्रेस सम्मेलन में संबोधित करते हुए जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति सचेत है, जिसके लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन्य प्राणी बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंध विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर सभी विकासात्मक परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी परियोजनाओं की भी योजना बनाई जानी चाहिए जिन्हें पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि मेगा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स तैयार करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए जिन्हें केंद्रीय वित्त पोषण के लिए भेजा जा सके। प्रदेश के स्कूलों में रेगुलर कक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अब इन सभी सरकारी स्कूलों में किताबें पढ़ने वाले पाठकों की सुविधा के लिए पब्लिक लाइब्रेरी को भी शुरू कर दिया जाएगा। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पब्लिक लाइब्रेरी पाठकों के लिए स्कूल के बाद 3 से 5 बजे तक खुली रहेगी। यानी इन लाइब्रेरी में पाठक 2 घंटे तक अपनी रुचि के विषय और किताबें पढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से ये निर्देश सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में इसे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित न हो और इसके छुट्टी के बाद 2 घंटे का समय तय किया गया है। तहसील गलोड़ के तहत आने वाली ग्राम पंचायत फाहल के
खुगन गांव में दो परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए। दो परिवारों को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों परिवारों के मकान साथ में थे, ऐसे में दोनों आग की चपेट में आ गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि आग लगने के बाद ग्रामीणों ने इसे काबू करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते मकान आग की भेंट चढ़ गया। एक परिवार को 6 लाख का नुकसान हुआ है, जबकि दूसरे परिवार को 4 लाख के करीब नुकसान उठाना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के ऐतिहासिक अटल सदन में मंगलवार को कुल्लू कार्निवाल की दूसरी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। दूसरी सांस्कृतिक संध्या मंडी की लोक कलाकार ममता भारद्वाज के नाम रही। उनके मंच पर आते ही दर्शकों ने तालियां और सीटियां बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गीतों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। भारद्वाज ने लता मंगेशकर के गाने वंदे मातरम से संध्या का आगाज। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल परिसरों में स्थापित निजी लैबों में 56 नहीं बल्कि 233 टेस्ट निशुल्क होंगे। सरकार ने मुफ्त होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़ा दी है। अस्पतालों में 1 अप्रैल से मरीजों को ये सुविधा दी जानी प्रस्तावित है। अस्पतालों में अभी SR लैब को ये जिम्मा दिया गया है। इस कंपनी का टेंडर खत्म हो गया है। सरकार ने दूसरी कंपनी को टेंडर दिया है। कंपनी अधिकारियों को आधारभूत ढांचा स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों, जूनियर अस्पतालों, सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब स्थापित हैं। इनमें सरकारी रेट पर हर तरह के टेस्ट होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।